दिल्ली। तो इंटरव्यू देवा चले गए हो, इंटरव्यू देवा चले गए हो, तो एक मैडम इंटरव्यू ले रही, हमारा भाई साहब को नंबर आयो, तो मैडम ने प्रश्न पूछा तीन, प्रश्न तीन पूछा कि भैया इंटरव्यू के लिए तैयार? हमारा भाई साहब बोले मैडम तैयार। कि मुझे ये बताओ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कि मैडम पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि ठीक है भैया। कि भारत आजाद कब हुआ? नंबर दूसरा प्रश्न, कि भारत आजाद कब हुआ? कि मैडम प्रथम प्रयास तो 1857 में किया था, लेकिन पूर्णतया 1947 में हुआ। कि भैया ठीक है। कि तीसरा प्रश्न, कि पूछिए मैडम क्या पृथ्वी गोल है? कि मैडम वैज्ञानिकों का मानना है प्रमाणित नहीं। ई भाई खड़े पटेल भाई का इंतजार में, अरे ना आता है भाया की बात भर ली। अरे सुखराम वो ये बता तो स्काई प्रश्न पूछा मैडम ने। यार प्रश्न तो तीन पूछा और ये पूछा, मैंने उत्तर दे दिया। याने समझी बोर्ड की परीक्षा में पेपर एक ही आवे आज राजस्थान में, तो मैडम ने जो प्रश्न यहां से पूछा वे मुझसे पूछेगी। याने तीनों उत्तर जोरदार याद कर लिया। अब नंबर आगो जगदीशा को, भैया इंटरव्यू के लिए तैयार? के मैडम तैयार। क्यों अधिक एंट्री बोलियो? अब तुम देख रहे हो ना खिलौना को, भैया विषय मान रही है। के मैडम तैयार। अब मैडम ने प्रश्न तो तीन ही पूछा पर प्रश्न चेंज कर दिया और उत्तर याने जोरदार रट रखा। मैडम ने पूछा कि भैया आपका नाम क्या है? प्रश्न नंबर एक, कि आपका नाम क्या है? कि मैडम पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैडम को हंसी आई, पर मैडम ने सोची को हो सके भाई हुए ना हो कोई खास बात कोई। कि भैया दूसरा प्रश्न, कि पूछिए मैडम कि आपका जन्म कब हुआ? कि मैडम प्रथम प्रयास तो 1857 में किया था, लेकिन पूर्णतया 1947 को हुआ। मैडम ने सोची अरे पागल दिखे। मैडम ने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या आप पागल हो? कि मैडम वैज्ञानिकों का मानना है प्रमाणित नहीं है। ये तो ठाट बाट नहीं आता। गई साल और फोन कर दिया ने, कि राम सिंह खाए मन की दंगल में? कि खा मन की कोटा बूंदी चूरू पचाला। कि यार एक काम हो, मन का काम हो? कि यार काम हो रिश्ता को, अरे तो मन तेरा ओड पास गल्ला में आया वहीं कर दे मिनी बांझ कोई नहीं। अरे एक बांझ कोई नहीं पर मामलो खराब हो गयो, मन का ही हो गयो। कि मेरे ओल्ड पास रिश्तो करो, मेरे चाचा की छोरी है वहां को रिश्तो ओल्ड पास करवा जाऊं और मेरा गांव का जांगा बड़ा रिश्ता है काटिया भाई, तो मन छोरी में कुछ कमी होगी। कि यार कमी तो है, मन का ही कमी है। कि छोरी का एक आंख में फूल है फूलो, एक आंख सो कानी। अरे मैंने खीरे जगदीशिया बा वालों का ये हो रही है, तेरा चाचा की छोरी रिश्तों में इश्यू बताऊंगो, तेरा सिरेटो गांव काटवा जाए तो रिश्तों कौन कटे? केवारी इश्यू बता, मतलब तेरा चाचा की छोरी और मेरा चाचा को छोड़ो। भाई पटेलो मैं भी यही चक्कर में डोलो, मेरा चाचा को छोड़ो दोनों आंखें सुंदरंद आंदो। मैं भी यही चक्कर में डोलो, मैंने कि भाई जगदीशिया तेरा चाचा को ले और छोड़ो, देखवा आजा आज मैं घर ही हूं, या मोटरसाइकिल ले और घर पहुंच गए जल्दी। मैंने पहला ही छोरा को नवा धोवाया, आंखें का काला चश्मा लगा और नया कपड़ा फेरा और कमरा में बैठा दिया कुर्सी पे, और कुर्सी का आगे लगा दी टेबल और टेबल पर खोल दी किताब। मन की भाया पलकन को नीची से ऊंची मत कर दियो, भाई साहब चिंताएं मत करे। भाई पटेलो विषय हुई हो, इनको चाय नाश्ता करा दिया, चाय नाश्ता कर लिया। जगदीश को कहवा लग रहे राम सिंह दिन छिपरी है, गाँव बहुत दूर है, छोरा दिखा दे। अरे मन की बावड़ा यह टाइम छोरो तैयारी कर रहे बहुत जोर से, कमरा गेट खोल और छोरा देख ले। याने कमरा गेट खोलिया, छोरा को देखो, छोरो गोरो भोरो कतई मलोक। जगदीश के बाबा लगे वाली छोरा आज तो जुगाड़ बैठ को, तो मन दे दो बड़ी मिलनी को रिपो, बड़ी मिलनी को रिपो दे दियो। कहवा लगे रे राम सिंह अपने मीणान में पांचवी नए तो रे पांचवी, मन कुर्सी के लेबा देबा की। अरे मन की बावड़ा बड़ा आदमी खेबा करे के किन्यार कलश कलश को तेरे बावन भाई रख दियो और छोर छोरी भेज दीजिए। ठीक है भाई पटेलो, विषय हो रिश्तो पक्को होगो,
आखा तीज को सावन निकले हो। मैंने आसो पहला है खेती भाई जगदीश मेरी बात सुन ले, तेरो चाचो चराओ बकरी, तेरो चाचो चराओ बकरी और बकरी का दूध की चाय मारो चाचो कुल पीवे, रिश्तो राखनो है तो बकरी को बिकवा दे और कोई भैंस लिया बढ़िया सी, याने बकरी बिकवा दी और भैंस ले बस चले गो हरियाणा, क्यों अच्छी भैंस तो हरियाणा मिले अपने हरियाणा चले गो भैंस ले बा, भैंस ले बा गयो भैंस की कीमत पूछी दलाल वे मांगल्ला कह यार भाई बढ़िया सी भैंस बता, लाख सवा लाख डेढ़ लाख, जगदीश को कहबे लगे भाई नाय पार पड़े कोई इसी बता के किसी के घना दूध की पार्टी की माई कम कीमत की और दो चार पांच मना की सामर है। अरे भाई कोई बात ना भाई पटेलो, याने भैंस ले ली, भैंस ले और जिसे राजस्थान का बॉर्डर में घुसियो तो रोनो कटे रोनो वो लगा दियो एंगल सो या को टेम्पो रोक दियो कि भाया काय माल है, जगदीश भैंस दे रहे हो एंड सीन बोलियो कि साहब भैंस किसी के रंग की काली वहां में लिखते रंग की काली रोना के और के लंबी पूछ रोना में लिखते लंबी पूछ के और के दो सींग रोना में लिख दिया दो सींग के और के चार महीना के सामने रोना में लिख दी चार महीना के सामने भैंस को ले और या घर आ गयो क्यों पांच दिन बाद में लगन टिको इनका गांव से मारा गांव में जाए। मैंने कीरा जगदीश मारा तो गांव में एक ही बामन हो जो भगवान को प्यारो होगो वो मेरा भाई बामन तुम्हारा गांव से लिया जी या बामन यहीं से ले और पहुंच गयो वो भाई पटेलो यानी ईशो तमाशो करियो बहुत जोरदार देख पलाएगा पीड़ो तो भैंस करो नो और पीली लगन पत्रिका याने वाल लगन पत्रिका वाल चाचा ने दी का छोरा का डूब करता तो बांध दे और मोली को ताको बांध दे याने जेब में धरवर भैंस को रोनो भी जेब में धरियो जल्दबाजी में निकालिया तो भैंस को रोनो निकले हो और वहां का डूब करता तो बांध और मोली को ताको बांध दे लगन पत्रिका जी का धरती हो। पंडित जी वहां पहुंच गया ये सरेटा पहुंच गया चाय नाश्ता कर लिया पंडित जी ने कि भाई सुना भाई लगन पत्रिका बाजी हो मन के भाई चुप हो जाओ मन पंडित जी बाचो तो पंडित जी की खासियत हो राम राम वंचना प्लान ढिकान तो वाले एक बार काम उसे बोल दिया बिना देखे फिर पंडित जी खेल गई कह सुना भाई मन के बोलो पंडित जी करंग काओ अरे मन के पंडित तो बावलो कहीं हो रही है चाचो खे यार राम सिंह तुम छोरी देखे बताई ना अरे मन के चाचा यार जगदीश मजाक करे भगवान का दो रूप हो खत्म काल और खे भूलो मन के पंडित जी चलेगी आगे पढ़ो आगे कह लंबी पूछ चाचा खरे राम सिंह का ही हो रही है अरे मन की चाचा तू कौन जाने आज काल की पटवारी छोरी चुट्टी करे और लगा ले चुट्टी लो तो लंबी पूछ दिखती होगी मन पंडित जी आगे पढ़ो आगे तो सिंह चाचा खरे राम सिंह का ही हो रही है अरे मन की चाचा तो बावड़ा है पटवारी छोरी एक चुट्टी कर ले इतकुर एक चुट्टी कर ले इतकुर दो सिंह लिख दिया होगा मन पंडित जी आगे पढ़ो के चार मना के रे मन की पावन ले बैठो कर रहे जाने तो जल्दी से करो करिए कि भाई राम सिंह गलत होगी भैंस को रोना आगो वो भाई पटेलो बरात की चढ़ाई होगी बरात की चढ़ाई होगी बरात आ गई आगोनी को नेग होगो अब छोरो जाए तोरण पे जब महाराज चाचा को काल जो करे अकर दकर अरे राम सिंह यहाँ तक की तो पार पड़ गई पर आगा की पार कहीं पड़ेगी अरे मन की चिंता मत करे लॉकडाउन में वासु पहला नोट बंद हुआ जब मैं दो थैली खुला पीसान के लिए रहे पांच का सिक्का के दस काल की छोरो जाए तोरण पे जब तू भर मुठो पैसान को छोरा का माथा पर यूं भगा दुनिया उठाएगी पैसा छोरो दम भी तोड़ मार बेटे गुज्जिया को के बात तो सही है भाई पटेलो इसे हुई हो जिसे ही छोरो गयो तोरण पे जब मारो चाचो भर मुठो पैसान को छोरा का माथा पर यूं भगावे दुनिया उठाए पैसा जगदीशा की बुआ खड़ी खड़ी देख रही केवला गिरा छोरा जगदीशा मुकुश लगाया मेरो पैसा वालो और आपने छोरी के आंख में फूलो तू खतो में गाली गाई थी सांची की सांची हांसी की हांसी जगदीश की बुआ काई गाली गाली काई खरी छोरा काई खरी देखा हो प्याई मारा सुन जो ध्यान है लगा कैसे हो प्याई मारा सुन जो ध्यान है लगा ये ज्ञान क्यों काले गाओ ये प्याई मारा सुन जो ध्यान है लगा अब काई गाली गाली काई खरी छोरा काई खरी देखा हो प्याई मत करे रुपया की हानि कैसे कि ब्याई सारा पैसा की बर्बादी मत करे हम तो को छोड़ दे रही मारी छोरी का काम आए वो काई खरी छोरा काई खरी देखा वो ब्याई मत करे रुपया की हानि कैसे वो ब्याई मत करे रुपया की हानि
मारो फूफो छोरा का बगल में खड़ो फूफो कह बोला क्यों ओ राम सिंह ओ राम सिंह मोखो आगो मोखो तू खेते गाली में भी कह दू अरे मन की चकला है ये छोरा का पीला आटा हो जाता है अरे बावला मोखो की बात है मैं तो गाली कहूंगा मार फूफो काई गाली गाली काई खेले छोरा काई गाली देखा हो गया ने मारी सुन जे हो ध्यान लगाए बछरे हो गया ने मारी सुन जे हो ध्यान लगाए ज्ञान के गाए गाए अब काई गाले गाले काई खेले छोरा काई खेले देखा वो प्यान साला काई और रुपया की बात कैसे वो प्यान साला काई और रुपया की बात छोरा को देने दे बाद में जल्दी से ढोला उसको एठे एठे लोग यार राम सिंह ले बैठे कर आए और मैं लोग खुराम तो तेरा चाचा के छोरी के छोर हो गो अब तो रिश्ता है सही जोड़ ले या तो भलो हो तुम्हारो जो आज ये दोनों पार्टी एक जगह कर दी और नहीं या का तो मैं दिखो जब आंखन में खून बरसे दुनिया का तो पानी बरसे मामले खराब है। देखिए सज्जनों ये हो गया आपका मनोरंजन समय का अभाव।